नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके पिछले जन्म का साथी है इस नाम की महिला, आपकी जोड़ी स्वयं भगवान ने बनाई है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस महिला का साथ आप जीवन भर मत छोड़िएगा। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आपके ही जीवन काल में रहने वाली इस नाम की महिला आपके पिछले जन्म का साथी है। तो दोस्तों, इन्हें पहचानने में बिल्कुल भी कोई गलती ना कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में यह महिला अगर आपके जीवन काल में आ जाए तो दोस्तों आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपका नाम होगा। आपको बता दें कि इस महिला के आ जाने से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जी दोस्तों, क्योंकि इस महिला के अंदर गुण ही कुछ ऐसे होंगे, इस महिला के अंदर खूबियां ही कुछ ऐसे होंगी जो कि आपके जीवन काल में सकारात्मक परिवर्तन ही लाएंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों हम आप सभी से विनती करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके घर परिवार वालों का निरंतर सहयोग बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि यदि आपका सब कुछ लूट भी जाए, चला भी जाए, तब दोस्तों आप अपना साहस को नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तहस नहस भी हो जाए तभी दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को कभी नहीं खोते। अगर कोई काम करने की ठान ले तो दोस्तों आप चैन से नहीं बैठते। आप लोग थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं और आप उस काम को, यानी जो काम आपने ठान लिया है, उसे दोस्तों पूरा कर ही छोड़ते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर किसी से सच्चा प्यार की बात करें तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में किसी से सच्चे प्यार करने में लग जाते हैं तो दोस्तों आप लोग इस तरह उसके प्यार में, यूँ कहें उसके दिल से इस तरह जुड़ जाते हैं कि दोस्तों अपने पार्टनर की हर छोटी सी बात को अपने दिल पर लगा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशन भी आपके अंदर भरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा भाव किस्म के आप व्यक्ति होते हैं और छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल पर भी लगा लेते हैं। दोस्तों, कुछ बातें तो ऐसी भी होती है कि आप चाहकर भी भुला नहीं पाते। दोस्तों, आपके अंदर यह क्वालिटी देखी गई है कि आप लोग कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बुरा तब बहुत ज़्यादा लग जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आपने अपना समझकर उसके लिए सब कुछ किया है, दिन रात उसके लिए एक कर दिया है, और दोस्तों अंत में वही इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपकी खिल्लियाँ उड़ने लग जाए, आपकी फीलिंग को हर्ट करने लग जाए, यानी कि दोस्तों आपको कोई समझने ही ना लगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपसे अपना मतलब निकालते हैं और आपको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब उनका मतलब आपसे निकल जाता है, जब उनका काम हो जाता है, तब दोस्तों वह आपसे किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि किसी से प्यार करना और किसी से प्यार बांटना, वो तो आपकी राशि वालों से सीखे। बिना किसी के स्वार्थ के आप लोग दूसरों का भला करते चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बुरा आपको तब लगता है जिनके लिए आपने सब कुछ किया है और दोस्तों अंत में उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया, आपसे किनारा कर लिए और दोस्तों आपसे बात भी करना बंद कर दिए, आपकी हर चीज़ों को इग्नोर करने लग जाए। दोस्तों, आपकी प्यार भरी जिंदगी जो है वो रूठने और मनाने में भी अभी तक चल रही है। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर कोई दूसरा प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या मैं यह सब गलत बोल रहा हूँ, आपके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा। अपनी राय हमें कमेंट करके, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को तो ऐसे में खुशियों की कमी नहीं होती, क्यों दोस्तों आपका जो भगवान है इतना बड़ा है कि दोस्तों आपको सब कुछ देता है, जो आपकी जरूरत की चीज़ें होती है वह सब कुछ आपका ईश्वर आपको दे देता है। लेकिन दोस्तों, प्यार के मामले में जिन लोगों से आप आस लगाए बैठते हैं वही लोग आपको किनारा कर जाते हैं, और ऐसे एक बार नहीं बल्कि दोस्तों बार बार ऐसा ही होता है। मानो कि दोस्तों आप लोग प्यार के लिए बने ही ना हो, लेकिन दोस्तों ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
आपको मैं बता दूं कि दोस्तों हमेशा एक जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रचता है और आपकी राशि वाले तो जिद से भरे होते हैं। जिंदगी में आपके पास जितनी भी परेशानी आए, दुख आए, टेंशन आए, हर मुश्किल का सामना आपने हंसकर किया है। हिम्मत कभी आपने नहीं हारा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप उम्मीद नहीं जिद रखते हैं। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों यही आदत आपकी ज़िंदगी में भी आपको सफलता भी दिलवाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दुश्मनों की चोट तो आप खुशी खुशी सह लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपका दिल तब बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब कोई आपका अपना ही आपको चोट पहुँचाता है। दोस्तों खैर जो हो चुका अब तो वो हो चुका, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसमें सबसे ज़रूरी और पहली चीज़ आती है कि दोस्तों आप लोगों को किसी के भी ऊपर अब बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप लोग हमेशा सही लोग को चुनने में गलती कर देते हैं और दोस्तों बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता दें कि यदि आप लोग सिंगल हैं, यदि आपकी शादी हो चुकी है या फिर दोस्तों आपकी शादी किसी के साथ होने वाली है, तो दोस्तों आपको कौन सा व्यक्ति है, कौन से लोग हैं, कौन सी औरत है, कौन सी नारी है, कौन सी महिला है, या फिर वह कौन से नाम वाले लोग हैं जिनसे आपको जुड़ना, जिनसे आपका रिश्ता बनना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ विवाह की बात नहीं कर रहे, आप अपने अच्छे मित्र, करीबी मित्र भी इसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जिसकी आपको जानकारी लेना चाहिए कि आपकी राशि वालों को स्त्री की सुंदरता को देखकर विवाह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि स्त्री की सुंदरता को लेकर जो भी विवाह होता है वह बहुत ही बड़ी भूल होती है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी भूल साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि विवाह के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके खूबसूरती को ना देखकर उसके गुण को देखा जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके विपरीत स्त्रियों को भी अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम आप सभी को एक और बात बता दें कि आप उसी औरत से, उसी स्त्री से विवाह करें जो कि दोस्तों स्वेच्छा से आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, जोर जबरदस्ती से किया गया आगामी विवाह भविष्य में काफ़ी शिकायतें उत्पन्न कर सकता है। यह बात आप भी जानते होंगे कि दोस्तों वैवाहिक के जीवन में यह निर्णय आपके लिए बड़ा समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर कोई स्त्री आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह बहुत ही ज़्यादा परवाह करती हो, तो दोस्तों ऐसी स्त्री का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य में अगर उस स्त्री के साथ आपका झगड़ा भी हो जाए तो भी दोस्तों उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको प्यार करने की वजह से ऐसे स्त्रियों को आपकी और आपके परिवार की खुशियों की भी परवाह होती है। इसलिए दोस्तों ऐसी स्त्रियां व्यक्ति को कभी भी उदास और निराश नहीं देख सकती। यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी को एक बात और बता दें कि पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी धर्म के प्रति आस्था रखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह स्त्री धर्म में आस्था रखती है या फिर नहीं। दोस्तों आपको ऐसी स्त्रियों पर विश्वास करना चाहिए जो कि आप में अपने पिताओं को देखे और आप भी उसे उसके पिता की तरह आप सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। और दोस्तों ऐसी स्त्रियां भविष्य में आपको कभी भी धोखा भी नहीं देंगे। दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि दोस्तों चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ऐसे ही आप करें जिसके लिए आपका स्वभाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों दोस्तों, उम्र बीत जाने पर सुंदरता तो कम हो जाएगी और फिर सुंदरता पर मिटने वाली स्त्री आपसे कटने लग जाएंगी, उनका मुंह भंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस स्त्री को आपके स्वभाव से प्रेम होगा वह आजीवन आपसे प्रेम करेंगी। और दोस्तों इसके साथ ही आपको उसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो कि किसी के साथ प्रेम संबंध में पहले से ही ना जुड़ा हो। क्यों दोस्तों, अगर आप दबाव डालकर या फिर जोर जबरदस्ती करके उनके साथ विवाह कर लेंगे तो दोस्तों ऐसे स्त्री का मन अपने प्रेमी के ही ओर रहेगा और दोस्तों पूरे मन से वह अपने पति के साथ नहीं जुड़ पाएगी।
इसलिए दोस्तों ऐसी स्त्री से विवाह करने से पहले उनकी मर्जी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात समझनी चाहिए कि जिस स्त्री को किसी पुरुष से प्रेम हो और वह उसकी परवाह करती हो तो दोस्तों ऐसे पुरुष को कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ चाहे भविष्य में कितने भी झगड़े क्यों ना हो, दोस्तों कितने भी लड़ाई बात क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों उस स्त्री का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उस स्त्री का प्रेम उसे सुलह करने पर मजबूत कर देगा। दोस्तों ऐसी स्त्री हमेशा घर में खुशहाली लाती है, जिंदगी में खुशहाली लाती है। ऐसे स्त्री से विवाह करना उत्तम रहता है। दोस्तों अगर हम यश में उन महिला की नाम की बात करें, वह कौन से नाम की औरत है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली साबित होती है। तो दोस्तों उस स्त्री के नाम का पहला अक्षर कुछ इस प्रकार है, PLMNSGR। और इसके साथ दोस्तों उस पुरुष का जो नाम है जो कि स्त्रियों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे लकी है, नाम है CRGSAMPIH। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।